नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही है कि इंडिया और यूएस मिलकर स्ट्राइकर बना रहे हैं। अभी बहुत लोगों का सवाल रहेगा, स्ट्राइकर क्या है, व्हाट इज स्ट्राइकर? तो स्ट्राइकर एक एवी एफ भी बोल सकते हैं उसको। स्ट्राइकर इज नोन एज AFV, इसका फुल फॉर्म होता है आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल। सो इसके ऊपर हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे, एज यूएस ने इसका ऑफर दिया है। सो क्या है ये, एक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल कहते हैं स्ट्राइकर को। तो अभी जैसे ही हमारे यहाँ पे स्ट्राइकर जो है ये यूएस की कंपनी है जो ये व्हीकल बनाती है, तो इसका इम्पैक्ट हम लोग जानेंगे। पहली बात तो ये डिटेल में है क्या और इसके फायदे या नुकसान क्या होने वाले हैं इंडिया को। तो जैसा कि मैंने बताया, आपका स्ट्राइकर जो है ये एक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल है जो यूएस के थ्रू बनाया जाता है, और वो चाहते हैं कि इंडिया और यूएस मिलकर इस पे काम करे या जॉइंट प्रोडक्शन करे और एक्सपोर्ट भी इंडिया से करे। मीन्स ए टाइप ऑफ मेक इन इंडिया बट जॉइंट कोलेबोरेशन में। तो इससे हमारा इम्पैक्ट मेक इन इंडिया पे क्या होगा, क्या फ़ायदा है नहीं है वो जानते हैं। पहली बात, अभी तक ये मतलब मीडिया सोर्सेज डिक्लेयर कर रही हैं, बहुत कोई बोल रही हैं डील हो गया है, बहुत कोई बोल रही हैं डील होने वाला है, बहुत कोई बोल रहे हैं कि इट इज़ गोइंग टू रन इंडियन मेक इन इंडिया, क्योंकि वो यहाँ पे सिर्फ आधा बनेगा आधा वहाँ बनेगा, टेक्नोलॉजी कितना मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इस पर हम डिटेल में बात कर रहे हैं। तो पहली बात जान लीजिए, मैं तब तक कंफर्मेशन नहीं देता हूं जब तक कोई ऑफिशियली कोई गवर्नमेंट का पर्सन या डिफेंस मिनिस्टर या कोई भी लीगली गवर्नमेंट के थ्रू इसको डिक्लेयर ना करे कि ये हम लोग जॉइंट प्रोडक्शन करने वाले हैं। फिलहाल तो अभी तक ऐसा वहाँ इंडिया ने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाया है, बट इट इज़ नॉट कन्फर्म कि हम जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे। इससे अभी आप एक बात समझ के चलिए। पहली बात तो केस्ट्रल जो है ये फोटोग्राफ्स आपको आती रहेंगी, प्लस न्यूज़ के भी जो कटिंग्स हैं वो भी आपको दिखती रहेंगी आपको, कि डिटेल मैं किसको क्या कोट कर रहा हूँ। पहला बात आप याद रखिए, केस्ट्रल नहीं अपना स्ट्राइकर जो है ये वॉर प्रूवन AFV है। AFV बोलिएगा, जैसे मैंने बताया आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, तो आर्मर्ड से जैसे पता चल रहा है ये खुद से कवच से ढका हुआ रहता है और ये फाइटिंग व्हीकल है, ये लड़ाई में यूज़ किया जाता है। अब टैंक्स को भी आप बोल सकते हैं एज अ AFV, लेकिन AFV जो है ये टैंक्स बहुत हैवी हो जाते हैं और AFV जो है ये थोड़ा लाइटर फॉर्मेट में रहता है और फास्ट रहता है। टैंक्स स्लो मूविंग रहते हैं, ये फास्ट रहता है। इसमें एक और कैपेबिलिटी रहती है, इसके अंदर सैनिक आप ले जा सकते हैं जिसका जैसा कैपेसिटी है, 8, 12, 6, 10, 16 तक जाते हैं, ठीक है। 16 सोल्जर्स कैन बी कैरिड इन अ AFV विथ जो उनका टरेट वगैरह जो फायरिंग है लॉन्चिंग है वो तो होगा ही, प्लस इनमें एक स्पेस बना हुआ रहता है बैक साइड में, देखिए फोटोग्राफ्स में, इसमें मतलब वो कैरी भी करते हैं सोल्जर्स को कहीं पर लेके जाना है दूसरी जगह पर। तो अभी बहुत कोई बोल रहा है यूएस इंडिया का आर्म ट्विस्ट करेगा ये लेने के लिए, ऐसी बातें नहीं है। हाँ, स्ट्राइकर एक वॉर प्रूवन गाड़ी है, वॉर प्रूवन डिफेंस मटेरियल है, इसका यूज़ अभी अगर आप करंट अफेयर्स बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं तो यूक्रेन में भी इसको दिया गया था, भेजा गया था 90 के नंबर्स में फॉर रशिया। लेकिन उस टाइम थोड़ा कन्फ्यूजन था कि बीइंग यूक्रेनियन नए हैं इसको लेके अपना स्ट्राइकर को यूज़ करने के तरीकों में, लेकिन इसने रशिया के खिलाफ बहुत अच्छा काम किया और एक्चुअली ये वॉर प्रूवन है। 2003 का इराक वॉर में भी इसने बहुत धमाल मचाया था इराक के अंदर, जब सद्दाम हुसैन का सत्ता को लिया गया था। तो इट इज़ मतलब अच्छी गाड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रेशराइज है इंडिया पे कि करना है कि नहीं करना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये चीज़ें हैं। टाटा केस्ट्रल ये फोटोग्राफ है, सेम टू सेम सेम क्वालिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, और ये आर्मी का टेलर मेड है,
मीन्स आर्मी या डिफेंस का जैसे जो जो रिक्वायरमेंट था वो इसमें टेलर मेड रूप से दिया गया है। प्लस आर्मी का जब रिक्विजिशन था तभी उसमें बोला गया था जो हमारे पास एएफ भी होना चाहिए, ये एम्फीबियस भी होना चाहिए, मीन्स पानी में भी तैरना चाहिए, तो जिसमें स्ट्राइकर नहीं है, स्ट्राइकर के पास तैरने की कैपेबिलिटी नहीं है। जबकि टाटा कैस्ट्रल और महिंद्रा ने जो बनाया है, टाटा कैस्ट्रल और टाटा कैस्ट्रल जाम है वो टाटा और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है और एक महिंद्रा ने बनाया है अपने ज्वाइंट फीचर्स पे दूसरे कंपनी के साथ। तो इन दोनों के पास एम्फीबियस कैपेबिलिटी है और टाटा तो हर एक चीज जो टाटा कैस्ट्रल है ये एवरी पैरामीटर, हर एक पैरामीटर को आपका पूरा रूप से कवर कर चुका है कि मिलिट्री इज सेटिस्फाइड विद दिस व्हीकल। सो इसके ऊपर जॉइंट प्रोडक्शन में जाना, इस चीज को लेके बहुत कोई बोल रहे थे कि महिंद्रा और टाटा को ये अगर मतलब क्या होता है, अगर डील हो गया तो हम लोगों को बहुत बैकफुट लगेगा या बैकलैश लगेगा, काफ़ी हम लोगों को नुकसान हो जाएगा इसके ऊपर। तो ऐसा नहीं है, अगर अभी तक का मैं बोलूँ तो दिस इज गोइंग टू बी टाटा। हाँ, एक चीज दिमाग यहाँ लगा सकते हैं आप कि अभी तक यही दोनों सिंगल दो ही वेंडर्स थे इस टाइप के व्हीकल्स में, जबकि ये लोग पूर्ण रूप से जो जो रिक्वायरमेंट्स थी आर्मी के सभी को पूरा किया है। लेकिन अगर आप बोलिएगा कि फिर इसको क्यों, तो हो सकता है माइट बी, जैसे मैं परचेज ही देखता हूँ तो माइट बी फॉर परचेज नेगोशिएशंस या पैसा कम करने के लिए, मतलब इन टेंडरिंग आपका कॉस्टिंग कम करने के लिए कि तीन चार वेंडर्स रहेंगे तो हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं प्राइस में, फॉर दैट भी। और एक और हो सकता है, जैसे यूएस ने हम लोग का और यूएस का, और ऐसा नहीं कि मैं एक बात क्लियर कर दूं आप लोगों को कि यूएस ने ये ऑफर आज दिया है, ये तीन चार साल पाँच साल पहले भी दिया गया था जब हम लोगों को एफ बी का रिक्वायरमेंट था, तो ये जनरल डायनामिक्स के पास भी गई थी जो स्ट्राइकर बनाती है, उसने उस टाइम भी दिया था ये ऑफर, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं है कि आज का ये ऑफर दिया गया है। और एक बात आपको बताता चलो, यूएस और इंडिया का एक एग्रीमेंट साइन हुआ था इसी साल जिसमें कोऑपरेशन इन स्पेस, इन डिफेंस, इन एरो सेक्टर, इन एयरफोर्स, कम्युनिकेशंस, ये सब में हम लोग कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे को टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, उसके आधार पे तो ये हम लोग को मिल ही जाएगा। लेकिन हमारा एक ही चीज है कि वी विल गो विद द इंडियन कैस्ट्रल ओनली, जहाँ तक मुझे लगता है एज पर डिफेंस एनालिसिस जो मैं करता हूँ। और इसको यूएस को चाहिए, चाहता है अभी कि उसका सप्लाई चेन फटाफट बढ़े, तो यूएस से अफ्रीका तक को कनेक्ट करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम्स आते हैं। इंडिया में अगर कोप्रोडक्शन होगा तो नियर अबाउट एशियन कंट्रीज को फटाफट हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ से, और ये जा भी सकता है। तो होप आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें किसी का ये नहीं है कि टाटा को और महिंद्रा को या मेक इन इंडिया को बैक किया नहीं जा रहा है, बैक गवर्नमेंट की तरफ से है। हाँ, हो सकता है इसको माउंटेनियस रीजन के लिए ले लिया जाए, दो चार यूनिट, मतलब एक गाड़ी से अच्छा मल्टीपल गाड़ी, टाटा तो अपने पास है। और यूएस अपने को इसमें आर्म ट्विस्ट इसके लिए नहीं कर सकता है या प्रेशराइज इसके लिए नहीं कर सकता है बिकॉज दैट क्वालिटी, दैट टेक्नोलॉजी वी हैव बेटर देन द यूएस। टाटा कैस्ट्रल इज बेटर देन द स्ट्राइकर इन सम ऑफ द नॉर्म्स। ऐसे तो दोनों इक्विवेलेंट है, लेकिन जैसे एम्फीबियस कैपेबिलिटी है उसमें आदमी ज़्यादा जा सकता है, तो ये उससे ज़्यादा बेटर है इन सम केसेस और इक्विवेलेंट इन ऑल द केसेस। तो इसमें ये हो सकता है। लेकिन अभी 2+2 मीटिंग जो हुआ है इसमें तो यूएस ये भी चाह रहा है कि हम प्रेस करें इंडिया को टू लुक ओवर चाइना, क्योंकि ये अभी दो जगह पे फंस चुका है। तो 2+2 जो मीटिंग हुई इसमें काफ़ी सारे चीज़ें और डिस्कस की गई हैं इसमें, और यूएस चाहता है कि चाइना को ब्लॉकेज इंडिया करे। ऐसा नहीं है कि इंडिया जाके वहाँ पे उससे चाइना से लड़ाई कर ले, लेकिन जो उसका रूट है मलक्का स्टेट का, ये जो रूट मलक्का स्टेट से उसका 70% ऑफ ट्रेड होता है, 70-80% ऑफ चाइना का ट्रेड वहीं से होता है, उसको चोक कर दे। लेकिन ये चोकिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इंडिया के लिए, क्योंकि वहाँ पे दूसरे भी कंट्रीज हैं जिनका भी रूट वही है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि झंडा देख के गाड़ी जाने दिया जाए, अगर रोकना है तो पूरा रोकना पड़ता है, नहीं तो फिर अगर क्या। और ये भी बात है कि क्या वो कंट्रीज रेडी हैं कि चाइना के लिए अब ब्लॉक करो, प्रॉब्लम वहाँ भी है। तो इस पर मैं बाद में डिस्कस करूँगा। फिलहाल स्ट्राइकर के लिए, जैसे आप लोग समझ गए कि स्ट्राइकर किया है, ये एक जस्ट एएफ भी है, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल है जो इंडिया के पास पहले से ये टेक्नोलॉजी भी है, तो इसको भी लिया जाएगा, जिसमें अगर हम लोग जॉइंट प्रोडक्शन करें तो देर इज एक्सपोर्ट,
हम लोग को ही फायदा है, और हमारा तो टाटा कैस्ट्रल है ही जो हमारा खुद का है, वो भी एक्सपोर्ट इसके थ्रू हम कर सकते हैं मल्टीपल व्हीकल्स का ऑप्शन देके, तो हमारे लिए ठीक है, फायदा ही है। बट ये गलत है मतलब ये कि यूएस अपने को बैक नहीं करे, मतलब मेक इन इंडिया के ऊपर तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि कुछ दिनों से ये कुछ सालों से 2014 से मैं बोलूँ हम लोगों का एक बहुत ज़्यादा हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो हम लोगों को बहुत प्राउड फील होता है इफ समथिंग इज मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया। सो अभी तो कोई भी नहीं चाहता है कि बाहर से कुछ आए या ना आए, सब मेड इन इंडिया ही बने, लेकिन हर एक चीज़ आप कर नहीं सकते हो, कहीं कहीं आपको ज्वाइंट कोलोब्रेशन भी करना पड़ता है। हाँ, अभी जो ये बोल रहा है यूएस ज्वाइंट प्रोडक्शन का, इसमें पता नहीं यहाँ असेंबल होगा कि कुछ पार्ट्स यहाँ बनेंगे, कुछ पार्ट्स यूएस में बनेंगे, फिर ला के कहीं हम लोग असेंबल करके उसको बेचेंगे, ये अभी तक क्लियर नहीं है। इसके लिए मैं कोई स्टांस नहीं दे रहा हूँ कि इसके ऊपर क्या टॉपिक पे क्या रिलेवेंट पे कर रहे हैं वो लोग, किस चीज़ के लिए करना चाह रहे हैं, अभी डोंट नो, अभी तक प्रॉपर कोई डॉक्यूमेंट आया नहीं है। लेकिन हाँ, डोंट गेट अफ्रेड, कोई डरने की बात नहीं है, इंडिया का मेक इन इंडिया चलता रहेगा और चलेगा ही चलेगा। हम लोग जो क्वालिटीज हैं अपने पास, जो कैपेबिलिटीज हैं, उसके लिए हम ज्वाइंट क्यों करने जाए, और करेंगे भी तो उसमें काफ़ी सारे टर्म्स कंडीशन रहेंगे। और मैं कभी भी बोलता हूँ डिफेंस का मटेरियल के लिए डिफेंस मिलिट्री पर्सनल्स, एयरफोर्स पर्सनल्स, नेवी पर्सनल्स, वो लोग ज़्यादा कैपेबल नॉलेजेबल हैं हमसे, उनको क्या रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। क्योंकि मेरे लिए हर जगह मेक इन इंडिया मेरे को नहीं है, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन पहला देश का सुरक्षा है। जब तक जो चीज़ अपने पास नहीं है बेस्ट इन द क्वालिटी, वी कैन डू मेक इन इंडिया एज अ ज्वाइंट प्रोडक्शन और आगे बढ़ सकते हैं। होप आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा कि स्ट्राइकर क्या है, टाटा कैस्ट्रल क्या है, ये किस हिसाब से काम करती हैं। आप लोगों को कुछ रहेगा कोई तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, मैं उस पर जरूर से जरूर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।